मैं हूँ आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। ये तो सभी जानते हैं कि सुपरस्टार सलमान खान ने शर्टलेस ट्रेंड शुरू किया है। सबसे पहले उन्हें 1998 में आई फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में बिना शर्ट के दर्शकों ने देखा था। 19 साल पहले रिलीज हुए फिल्म के गाने ओ ओ जाने जाना में जब गिटार बजाते हुए सलमान शर्टलेस अवतार में दिखे तो फैंस को उनका ये लुक बेहद पसंद आया था। इसके बाद लगभग हर फिल्म में सलमान ने ऑडियंस की पसंद को ध्यान में रखते हुए शर्ट उतारी। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि पर्दे पर शर्ट उतारने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। हाल ही में सलमान खान भाई सोहेल खान के साथ सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स में पहुंचे। यहां उन्होंने सोहेल खान के डायरेक्शन में बनी सुपरहिट फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से जुड़ी बातें शेयर की। सलमान ने यहां बताया कि किसी ट्रेंड को सेट करने के लिए उन्होंने पहली बार शर्ट नहीं उतारी थी बल्कि मजबूरी में उन्हें ऐसा करना पड़ा था। सलमान ने यहां बताया कि इस गाने की शूटिंग मड आइलैंड में हो रही थी। डिजाइनर ने शूट के लिए सलमान को जो शर्ट दी वो इतनी टाइट थी कि उसके बटन तक नहीं लग पा रहे थे। इसी बीच डिजाइनर नई शर्ट लेने गए। उन्हें वापस लौटने में लगभग 4 घंटे का वक्त लगने वाला था। मई का महीना था और सेट पर गर्मी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में सलमान ने फिल्म के डायरेक्टर और भाई सोहेल खान से कहा कि वो बिना शर्ट के शूटिंग करने को तैयार है। पहले सोहेल को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। सोहेल ने दोबारा उनसे पूछा कि क्या वो शर्टलेस होकर शूटिंग करेंगे। सलमान की हामी भरने के बाद ही उन्होंने गाना शूट किया। कहना गलत नहीं होगा कि मजबूरी में आकर सलमान ने बिना शर्ट के शूटिंग की थी। फैंस को उनका अंदाज इतना भाया कि ये सलमान खान का सबसे पॉपुलर ट्रेंड बन गया। आपको बता दें प्यार किया तो डरना क्या में सलमान खान की जोड़ी काजोल के साथ जमी थी। फिल्म में अरबाज खान ने काजोल के भाई और धर्मेंद्र ने उनके चाचा का किरदार निभाया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।